तो अभी जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं भाई, जिनका नाम पहले भीत है, वो पाकिस्तान में है। मतलब भगवान परशुराम ने स्थापित किया था, मतलब उन्होंने पहली कावन यहाँ पर ही आकर चढ़ाई थी। जल्दी जल्दी स्टार्ट कर गाड़ी, स्टार्ट कर। कहाँ है चाबी? अरे यार, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई YouTube वीडियो में। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं सुबह के 8 बजे उठा था, रात लेट आए थे तो इसलिए उठे भी लेट। तो अभी हम जस्ट जारा को घुमा कर लाए हैं, देख लो इसे, और ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई है। तो अभी जारा को बांधते हैं, फिर आगे की बातें मैं इसे बांधने की बात करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इधर उधर को खींचे जा रही है। ये देखो, जब हम इसको अंदर बांधते हैं तो इसे ऐसे कर देते हैं, और जब बाहर करना होता है तो सही पकड़ के इसे ऐसे खींच देते हैं। और ये देख लो, ये जितने भी सब निशान हैं सब इसने कर रखे हैं, ये घिसने के, और ये सब इसी की खराब आता है। तो ये देखो, ये कैसे इट्टे जमा करके दारा के कंबल डाल देते हैं, यहाँ पर बैठ जाएगी, क्योंकि अभी तो फ्लोर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बैठ जा बेटा। सो फाइनली दोस्तों, मैं हो चुका हूँ नहा धोकर रेडी, और आज मैं पूरा दिन व्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पूरा महादेव घूमने के लिए। तो मैं उसका पूरा व्लॉग बनाऊँगा, और आप देखना कि हमारा पूरा महादेव कैसा है। आपने नाम ही सुना होगा, नाम तो बहुत फेमस मंदिर है, आप सभी जानते हो। मतलब जो हमारे एरिया का जितने भी कांवड़ी आते हैं सबका जल वहीं पर चढ़ता है, और अब की बार 3 लाख कांवड़ियों का जल चढ़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा है 3 लाख। जब हम गए थे तो चप्पलें ऐसे पड़ी थी, बिखरी हुई। आपको मैं दिखाऊंगा सारी जगह। तो अभी हम चलते हैं, मैं पहले जाने से पहले जैकेट जुकेट डाल लेता हूँ, और सर पर कैप तो ऑलवेज रहती है, क्योंकि मैं गंजा हो रहा हूँ इसलिए सर पर कैप रहती है हमेशा। आप भी सोचते होंगे कि कैप क्यों लगा रखता है। चलो दोस्तों, मैं शूज़ वगैरह पहन के निकलता हूँ, और तो दोस्तों निकलते हैं अपनी मंजिल के लिए। ये भी अपने साथ जा रहा है, और मैं बताऊँगा तुम आगे। चलो यार, सुबह सुबह हाथ अकड़ गया, खुल भी नहीं रहे। अरे खुल जा। तो निकल चुके हैं हम दोस्तों अपनी मंजिल के लिए, और ये देखिए बर्थडे बॉय, इसका बर्थडे आज, इसलिए जा रहे हैं। और ये अपने साथ एक ठाकुर आ चुके हैं, जो जबरदस्ती अपने साथ एडजस्ट हुए हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर के लिए। तो मतलब अभी हमें जाना है, तो अभी हम जा रहे हैं शॉर्टकट से, और वो इधर को स्कूटी नहीं जा सकती, तो वो आगे से घुमा कर ला रहा है। अभी मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, मतलब हम आए हैं उधर से और वो आ रहा है इधर से, मतलब इधर को चढ़ नहीं सकती स्कूटी, बाइक वगैरह तो चढ़ जाती है, बाइक वगैरह तो सब चढ़ जाती है, तो इस वजह से स्कूटी चढ़ नहीं सकती। तो इस वजह से हमें उतार कर यहाँ से लेना है। बंदर देख लो कितने सारे यहाँ पर, मतलब आते टाइम इन्हें फीड भी करेंगे हम। चलो अब चल निकल चुके हैं, अब सीधा हम मंदिर में जाकर ही मिलते हैं दोस्तों। We'll be right back.
सफाई चल रही है यहाँ पर, बाबा जी सफाई कर रहे हैं। बाबू जी आपका नाम क्या है? देशपाल। देशपाल उपाध्याय जी। कब से हुआ अभी यहाँ पर मंदिर में? जब से बाबा आए हैं। अच्छा, जब से ही, मतलब जब से बाबा आए हैं जब से आप यहाँ पर आए हो। बाबा तो आपके आने से ही पहले होंगे यहाँ पर। तो अभी जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, मतलब इस मंदिर का नाम है चकमंजी देवता का मंदिर। जो ये मंदिर है ये अभी बना है 10 साल पहले, और मतलब मंदिर तो यहाँ पर बहुत पहले से था, वो पहले बहुत छोटा सा था, और ये जो है रिकंस्ट्रक्शन होकर दोबारा इतना बड़ा बनाया गया है। और ये जो है, जो हमारे चकमंदी देवता हैं, ये 5 भाई हैं। इनमें से एक भाई जिनका नाम पहले भीत है, वो पाकिस्तान में है, मतलब पहले तो इंडिया के अंदर ही थे, पर बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया मंदिर। और जो एक हैं वो बड़ौद की साइड है अपना, जिनका नाम है गुफा वाले बाबा, बहुत फेमस मंदिर है। वो तपस्या कर रहे थे तो एक बैल सामने से आ गया था, तो वो पत्थर का बन गया था, तो जब से ही वो वहीं का वहीं स्थित है। आप सर्च करना, वही बहुत फेमस है। तो अब हम चलते हैं अपने पूरा महादेव के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं पूरा महादेव, मतलब निकल चुके हैं रास्ते में, बस 3-4 किलोमीटर दूरी रह गए बेबी, तो वहाँ पर पहुँच कर वीडियो स्टार्ट करेंगे सीधा। पहुँच चुके हैं दोस्तों अपने महादेव के पास, वो देखिए वहाँ बैठे हैं। इस मंदिर का असली नाम जो है परशुरामेश्वर महादेव, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं पूरा महादेव। देख लो आज सोमवार का दिन है तो कितनी भीड़ है। चलो आगे चलो। अरे ये गेट बंद कर दिया क्या? अरे ये तो गेट ही बंद कर दिया, सही है, इससे आने जाने वालों को दिक्कत हो। स्कूटी लगा दिया और भीड़ देख लो आज कितनी है यहाँ पर। कौन ले जा रहा है इसे फटफटिया को तुम्हारी को? वंश, आज तेरा 20वां जन्मदिन है, क्या मांगेगा? अच्छा, आशीर्वाद मांगना चाहिए। चलो कोई बात ना, मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं हम, मतलब अभी तो जल लेने ले आ रहे हैं, फिर जल चढ़ाएंगे और फिर मिलेंगे अब आप सब सीधा बाहर। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गर्भगृह से बाहर, तो देखिए अपने हाथ में प्रसाद, और मैंने आपको अंदर दिखाया नहीं, मतलब मैं खुद नहीं चाहता अंदर अपने भगवान को दिखाना, मतलब ये मेरी कुछ भी समझ लो, बस दिखाना नहीं तो दिखाना नहीं। मैं आपको पिंडी ऐसे ही दिखा देता हूँ कि कौन सी शिवलिंग अंदर विराजमान है। ये देखिए, ये है वो शिवलिंग, और ये इसका नाम है परशुरामेश्वर महादेव। मतलब इसे जो है ना, जो इन शिवलिंग को है वो परशुराम, भगवान परशुराम ने स्थापित किया था, मतलब उन्होंने पहली कावड़ यहाँ पर ही आकर चढ़ाई थी, ऐसी मान्यता है। दोस्तों आज के दिन का सबसे मुश्किल काम अपने महादेव को प्रणाम करके बाय बाय बोलने का। अभी हम जा रहे हैं घर पर, और रास्ते में देखते हैं भूख भी लगी है बहुत ज़्यादा, 12 बज गए हैं, 10 बजे घर से निकले थे, तो कुछ खाएंगे, देखते हैं बर्थडे बॉय क्या खिलाते हैं। इधर देखो, देख लो दोस्तों इन्हें भुक्कड़ों को, बर्थडे बॉय बेचारा उधर बैठ के खा रहा है। अभी अपने ब्रेड भी आ चुके हैं, मतलब भूख इतनी तेज लगी थी कि चावल से पेट नहीं भरा, इसलिए ब्रेड भी मंगा लिए। अभी यहाँ से खा पी कर निकलते हैं। बंदर कहाँ गए यहाँ से? अरे बंदर चले आ गए, आ जाएंगे बहुत सारे। झपटे में आराम से दूंगा, आराम से। चलो अरे जल्दी जल्दी स्टार्ट कर गाड़ी, स्टार्ट कर। कहाँ है चाबी? अरे यार सारे आ गए, तो छीन के ले गए। देख लो दोस्तों, दे दी डालना था सारे छीन लिया यार, उसने खोलने का दिया। अरे वो देगा नहीं किसी को, बहुत तेज है वो, देगा नहीं किसी को वो। देखो कैसे लीडर है ना, तो एक पास हो गया, और रुको जरा, वो देखो छीन लिया उसने यार, कितना बदतमीज है। सारा प्लेट का पैकेट छीन लिया, मतलब हम सबके लिए लेकर आए थे और उसने अकेले नहीं छीन लिया। पर अब कोई बात नहीं, जिसके नसीब में होता है मिलता तो सही है। बन सही है, बन सही है, वो बर्थडे बॉय तू ही है। चलो तो दोस्तों इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ
और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और ऐसे हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारे मंदिर, तो हम सबको एक दिन सबकी वीडियो लाएंगे धीरे धीरे। अभी तो थोड़ा सा टाइम मिला है, तो आज अपने महादेव के पास गए थे। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे सपोर्ट करते रहे, हमें भी हौसला मिलता है। ठीक है दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड राम राम आप सभी को, और जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।